नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं राजन सर आपका स्वागत करता हूं अपने नए एक्सरसाइज 14.2 में। ये एक्सरसाइज बेटा केवल मोड के बारे में है, जिसमें हम पढ़ेंगे बहुलक क्या होता है, मोड क्या होता है। बेटा पिछला एक्सरसाइज जो था 14.1 वो कंप्लीट डेडिकेटेड था आपका मीन माध्य के बारे में। इस एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपसे मीन पूछा जाएगा, बट जिन क्वेश्चनों में आपसे मीन पूछा जाए उसे आप पिछले एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेना। मीन आपको आता है, अगर आपने 14.1 का वीडियो मेरा देखा होगा तो मैंने आपको तीनों मेथड आपको बताए थे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड आपको मैंने बताया था किस प्रकार से मीन को सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज कंप्लीटली हम मोड सॉल्व करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में बाई चांस मीन पूछ भी रहा है तो आपको पिछले वाले एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग उसे खुद करना है, हम केवल मोड सीखेंगे इस एक्सरसाइज में। ठीक है बेटा, पहले समझिए मोड का मतलब क्या होता है। अगर आपसे नॉर्मली कोई पूछ लेता है भाई मोड का मतलब क्या होता है, बेटा मोड का सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी जो चीज बार बार रिपीटेड है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सिंपल सी डेफिनेशन ये है, जो बार बार रिपीटेड है, कोई चीज अगर बार बार रिपीटेड है तो वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है, आपके डेली लाइफ से एग्जांपल लूंगा, आपको मजा भी आएगा। आपकी मम्मी बार बार क्या कर रही है, लौकी एंड तोड़ी, ये खाना रोज बन रहा है, ठीक है जी। हफ्ते में देखो तो चार दिन यही बन रहा है और आप परेशान हो चुके हो मम्मी से लड़ लड़के कि मम्मी क्या बना देते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मम्मी फिर भी वही बना रही है कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये जो लौकी एंड तोड़ी आपके घर में बार बार रिपीटेड बन रहा है, ये आपके मोड है, ये भोजन का मोड हो गया ना, क्योंकि बार बार रिपीटेड है। पहले आप इसका रियल लाइफ मतलब समझो, जो चीज बार बार रिपीटेड है वो आपका मोड है। इसे हम मैथमेटिकल टर्म में समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई नंबर रिपीटेड आ रहा है कि मान लो 1, 2, 4, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 9, ये नंबर बार बार आपके सामने आ रहा है, किसी चीज के नंबर हो सकते हैं, मार्क्स हो सकते हैं आपके। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा रिपीटेड नंबर आपको दिख रहा होगा 4, 4 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 4 आप देखो सबसे ज्यादा रिपीटेड है, तो मोड जो होगा वो 4 होगा, आप लिख दोगे मोड इसका 4। ये तो सिंपल हो गया डेफिनेशन कि मोड का मतलब है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो बार बार रिपीटेड हो वो आपका मोड होगा। कंप्लीट हो गया मेरी बात, सिंपल समझ में आ गई बेटा। अब 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें मोड कैसे फाइंड करना है तो हम अब बात करेंगे। ये तो अनग्रुप डाटा के लिए, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में ग्रुप डाटा, कि ग्रुप डाटा का मोड कैसे फाइंड होता है। अब आते हैं अपने सिलेबस पे, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए मोड के अंदर जब आपसे मोड पूछा जाए तो क्योंकि मोड का मतलब होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो हमें वो नंबर ढूंढना होता है जो सबसे ज्यादा है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। कैसे सर जी, एक मिनट जरा पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आपके सामने एक टेबल दिया हुआ, ये टेबल आपके सामने है, आप इस टेबल में ध्यान से देखो ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। तो ये 6 है, ये 11 है, ये 21 है, ये 23 है, ये 14 और 5 है, तो सबसे लार्जर नंबर कौन है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, ये जो है वो फ्रीक्वेंसी है। आपको याद होगा पिछले समय बताया था ये सेकंड नंबर फ्रीक्वेंसी है, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 23 है, 23 जो है वो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। तो ये आपका मॉडल क्लास कहलाता है। सबसे पहला काम होता है मॉडल क्लास, स्टेप बाय समझना हर चीज को, क्योंकि हर चीज के मार्क्स है, हर स्टेप के मार्क्स है। ये नहीं केवल आपको आंसर निकालना है, यही चीज आपको बोर्ड के एग्जाम में क्लियर करना पड़ेगा, चाहे आपका कोई भी स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, स्टेप को क्लियर करो। आपको सबसे पहले मॉडल क्लास पहचानना है, मॉडल क्लास वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 23 है, तो 23 को हम बोलेंगे मॉडल क्लास। क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास। अब यहीं से आंसर आपका शुरू होगा कि हम मॉडल क्लास के बेस पर हम आंसर कैसे निकालते हैं। मैं शुरू करता हूं, पहले क्वेश्चन से आपको समझ में आने लगेगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अगर आपने पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको वीडियो बंद कर देना, सारे क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लो, आप वीडियो बंद कर देना, टोटली सारे के सारे क्वेश्चन आप एक ही क्वेश्चन के बेस पर कर सकते हो, समझना है पहले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके लिए, मैंने आपको पहले बताया था, ये आपके लिए सीआई है और ये आपके लिए एफआई है। तो पहले सीआई और एफआई को लिख लेते हैं कि सीआई और एफआई मेरे लिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करता हूं बेटा। सबसे पहले एक सीआई दिया हुआ है मुझे और एक एफआई दिया हुआ है मुझे, तो जो मुझे गिवन है पहले उसे लिख लेता हूं। 5, 15, 15, 25, 5 से 15, 15, 25 और 65 तक मुझे लिखना है। तो चलिए 5 से 15 आप भी लिखना शुरू करो अपने रजिस्टर में। 15 से 25 दिया हुआ है, 25 से 35 दिया हुआ है, 35 से 45,
45 से 55 और 55 से 65 ये आपको गिवन है, सीआई आपको गिवन है। नाउ फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, 6, 11, 21 इसके अलावा 23, 14 और 5 23, 14 और 5 ठीक है जी, ये आपको गिवन है। अब इस टेबल के आधार पर हमें आपको मोड फाइंड करना है, तो मैंने आपसे सबसे पहले कहा था सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ढूंढो, क्योंकि मोड का मतलब होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। आपको डेफिनेशन याद रहेगी तो कभी गलती नहीं करोगे, मॉडल मेन चीज मॉडल क्लास ही है और मॉडल क्लास का मतलब होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 23। तो आपको 23 को क्या करना है, एक बॉक्स में डाल देना। इस प्रकार से हम 23 को बॉक्स में डाल देते हैं। बॉक्स में क्यों डाल देते हैं, ताकि बाकी निगाहों पर ना आए, हमें केवल इस पर फोकस करना है, यही है हमारा मेन चीज। इसे बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं बेटा, मॉडल क्लास। आप चाहो तो साइड में लिख भी देते हैं, कई बच्चे बहुत अच्छे जो होते हैं लिख भी देते हैं, ये मॉडल क्लास है। हिंदी में इसे बोलते हैं बेटा बहुलक, बहुलक वर्ग, इसे बहुलक वर्ग के बारे बोलते हैं, मॉडल क्लास बोलते हैं। तो साइड में कई बच्चे लिख भी देते हैं कि मॉडल क्लास है। अब ये मॉडल क्लास से हमें क्या मिलता है, मॉडल क्लास से ही हमें पांच चीजें मिल सकती है, क्योंकि मोड निकालने के लिए पांच चीजें, टोटल आपको पांच चीजें मोड निकालने के लिए। तो मॉडल क्लास से हमें पांचों चीज मिल सकती है, कौन कौन, ध्यान सुनो। ये जो मॉडल क्लास होता है इसको बोलते हैं F1। क्या बोलते हैं बेटा, F1, इसे F1 बोलते हैं, F1। इससे ऊपर वाला जो होता है उसे बोलते हैं F0। अगर ये F1 है तो F1 के ऊपर F0 होगा, और F1 के नीचे जो होगा वो F2 होगा। तीन चीज तो आपको मिल गया, इसे बोलते हैं F1। ये जो बॉक्स में आपने डाला इसे बोलेंगे F1। F1 से ऊपर F0 और F1 के नीचे F2, तीन चीज आपको मिल गई। कौन कौन चीज मिल गई, जो जो मिलता जाए लिखते जाओ। सबसे पहले आपको मिला F1। F1 कितना मिला, F1 मिला आपको 23, ठीक है जी, F1 23 आ गया। एक मिला आपको F0, F0 कितना मिला, तो 21 मिला। एक मिला आपको F2, F2 कितना मिला, F2 मिला आपको 14। बिल्कुल आराम से पहले तीन चीज ढूंढ लेनी है। सबसे पहला काम तो मॉडल क्लास, मॉडल क्लास मिलते ही वो F1 होगा, F1 के ऊपर वाला F0, क्योंकि 1 से पहले 0 आता है और 1 के बाद 2 आता है, सिंपल सा है। 0, 1, 2, देखो लाइन से 0, 1, 2, 1 हमेशा वो होगा जो मॉडल क्लास होगा, 1 हमेशा वो होगा जो मॉडल क्लास होगा, 1 से ऊपर 0, 1 के बाद 2, तो ये तीन चीज मिल गई। इसके अलावा ये जो बॉक्स में ये जो आपको 35 दिख रहा है, ये इसे बोलते हैं बेटा लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको, इस नंबर को बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लोअर लिमिट आपका 35 होगा, जो बॉक्स के अंदर है इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू है इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट को बोलते हैं L। L 35 आ गया। एक चीज और आपका बच गया H, क्योंकि मैंने अब पांच चीज आपको बताया था, तो तीन चीज तो आपने यहां से ढूंढ लिया, फोर्थ आपका ये हो गया L, L हो गया 35। लास्ट होता है H, H क्या है, H होता है गैप। इनके बीच का गैप कितना है, ढूंढो कितने गैप है, इनके बीच का गैप है 10 का, 10 का गैप है ना, 35 से 45 कितने का गैप है, 10 का गैप है। तो हाइट जो होगा वो आपका 10 होगा। तो ये आपके सामने देखो पांच चीज आपके स्क्रीन पर सामने आ चुका है, देख लो टोटल आपको ये पांच चीज अगर मिल गया तो आपका काम बन गया, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, केवल ये पांच चीज आपका होना चाहिए। ये कहां से आया सर जी, सबको क्लियर है? तो जितने भी क्वेश्चन है सबसे पहले एक काम करो, हर पेज पे क्वेश्चन लिख लो पहले, क्योंकि एक पेज पे पूरा सॉल्व होता है ये। हर पेज पे पहले टेबल उतार लो, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसे F1 लिख लो, F1 से ऊपर वाला F0, उसके नीचे F2, एक L मिल गया, एक H मिल गया। पांच चीज पहले निकाल लो, पहले हर क्वेश्चन की पांच चीज लिख लो सारे पेजों पर जितने भी आपने क्वेश्चन लिखा, फिर सभी पांचों पेज पर आप फॉर्मुला लगाओगे। फॉर्मुला सबका एक ही है, इसका एक ही फॉर्मुला होता है बेटा, जैसे मीन में तीन फॉर्मुले बताए थे ऐसा नहीं है। मोड निकालने का एक ही फॉर्मुला होता है, बहुलक निकालने का एक ही मेथड होता है, कोई दूसरा मेथड नहीं है। क्या फॉर्मूला है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में H, ये होता है मोड का फॉर्मूला, आपके सामने स्क्रीन पर है। L F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 और F2, ये आपके सामने फॉर्मूला बन चुका है। इस फॉर्मूले को याद करने का एक शॉर्टकट तरीका है, हम कैसे याद करते हैं, 10 102, देखो 10 102, ध्यान से देखो, आपको 10 102 दिखेगा, 10 देखो ऊपर है, कैसे, ये देखो 10, ध्यान से देखो, ये देखो 1 और 0, तो ऊपर हमेशा 10 आता है, देखो ध्यान से 10, ये आ गया 10, और नीचे देखो 102 है, 102, तो ऊपर 10 आता है नीचे 102 आता है, तो हम शॉर्टकट में से बोलते हैं 10 102, 10 और 102, 10 और 102, याद रखोगे, ऊपर 10 आएगा नीचे 102 आएगा, बस ये आपको याद रखना है, फिर आपको गलती नहीं होगी, क्योंकि सबको पता है यहाँ L आएगा यहाँ H आएगा। मेन गलतियां यही होती है कि F1 पहले था या F0 पहले था,
तो 10 और 102 बस ये याद रखना आपको, गलतियां नहीं होगी, फॉर्मुला बन गया आपका। अब इस फॉर्मूले में केबल और केबल एक ही चीज बचा है, क्या? वैल्यू पुट करना, कुछ नहीं, मतलब सबसे आसान मोड है भाई, कुछ करना ही नहीं है इसमें, केवल वैल्यू पुट करना है। क्या वैल्यू पुट करना है? L क्या है? L आपके 35 है, तो L की जगह 35 रख दो। F1 की वैल्यू पुट करो, F1 क्या है? F1 आपका 23 है, तो F1 की जगह 23 आएगा। F0 क्या है आपका? 21 है, F0 की जगह 21 अपॉन में 2F1 का मतलब होता है F1 का डबल 2F1 का मतलब होता है बेटा F1 का डबल। F1 कितना था? 23 था, तो साइड में 23 का आप 2 से गुना कर दो तो 46 आ जाएगा, तो यहां 46 लिखेंगे। समझ आएगा 46 कैसे आया? 46 समझ आएगा बेटा, 2F1 का मतलब है F1 का डबल। F1 कितना था? 23 का डबल कर दो, 46 आ गया। कंप्लीट समझ में आ गया। माइनस F0, सर जी F0 क्या है? सर जी वो तो 21 था, बहुत बढ़िया। और F2 क्या था? F2 आपका 14 था, तो 14 रख दिया। इनटू में H कितना था? 10 था, तो H की जगह 10 पुट कर लिया। नाउ अब इसकी सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे सिंपल, 35 की जगह 35 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा। बेटा 23 में से 21 माइनस करोगे, 23 में से 21 माइनस करो, 2 बचेगा। 23 में से 21 माइनस करोगे, 2 बचेगा। 2 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे, 20 आ जाएगा। क्या समझ में आया किसी को? 20 कहां से आया? क्लियर है सबको? पक्का 20 कहां से आया पता लग गया? दोबारा बताओ, एक बार दोबारा प्लीज, सबको आ गया? नहीं, एक बार सुन लो प्लीज, मेरी भी सुनो। 23 में से 21, 23 में से 21 घटाओगे तो 2 बचेगा, 2 की मल्टीप्लाई 10 से होगी, 20 आ गया। समझ में आ गया? या तो डंडे खींच लो, एक काम करो, बचपन में डंडे खींच के करते थे ना, 23 डंडे खींच लो, उसमें से 21 डंडे काट दो, देख लो 2 डंडे बचेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 10 से करो तो 20, इससे कर लो क्या? 2 × 10 2 × 10 जा, है ना, जैसा चलेगा वो कह लो। क्लियर है सबको? चलिए जी, पहले 46 में से 21, तो 46 में से 21 आराम से माइनस करूंगा, जल्दबाजी नहीं करूंगा, पहला क्वेश्चन आ रहा हूं, पहले एक बार सिलो फिर जल्दी जल्दी कर लेना भले ही। तो पहले 46 में से 21 माइनस करा, ये आ गया 5, ये आ गया 25, 25 में से 14 माइनस करा तो ये आ जाएगा 1, और ये भी आ गया 1, तो बचा क्या? 11 बचा। 35 की जगह 35, प्लस की जगह प्लस। अब 20 को डिवाइड करूंगा 11 से, 20 को डिवाइड करूंगा 11 से, 20 को भाग करूंगा 11 से। अगर डायरेक्ट भाग करना आता है तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो, नहीं आता तो साइड में कर लो। कैसे डिवाइड होता है था? 20 को डिवाइड कर लो 11 से, 11 बन जाए 11, ये बच गया 9, पॉइंट लग के यहां पे लग जाएगा 0, 11 8 जा 88 होता है तो आपका 2 बच जाएगा, फिर आप 0 लगाओगे 11 बन जा तो टोटल देखो क्या आया, 1.81 आया। क्या है बेटा? 1.81, जब मैंने 20 को 11 से भाग करा तो 1.81 आया। 35 में 1 ऐड करोगे 36 आएगा, 35 में 1 ऐड करोगे 36 आएगा और 0.81, तो ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर भी आ चुका है। देखिए कितना आसान था, 36.81 ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। एक बार अपना आंसर भी चेक कर लो बेटा, अगर आपने अपने आप करा तो आंसर चेक कर लो, क्या सबने मैच कर लिया अपने आप? अपने आप यही आ रहा है, छोड़ दे उसको, कंप्लीट सही है। चलिए थैंक यू बेटा, जिन बच्चों ने कहा अपने आप कैलकुलेशन बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या सीख मिली? इस क्वेश्चन में यह सीख मिली कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो। मोड जो होता है सबसे आसान होता है, तीनों सेंट्रल टेंडेंसी में, मैंने आपको बताया था सेंट्रल टेंडेंसी तीन होती है, एक होती है मीन, एक होता है मीडियन, एक होता है मोड। मोड सबसे सिंपल बोलते हैं इसको। इसमें करना क्या, इसमें कॉलम भी कुछ नया नहीं बनाना। देखिए अगर आपने इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लिया रिपीटेड, आप वीडियो को बंद कर दो और सारे क्वेश्चन खुद कर लो, एक समझ लो बहुत अच्छे से, फिर आपको खुद करना हर क्वेश्चन, आओ अपने आप हो भी जाएगा। कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस, दिक्कत क्या आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। आधे बच्चे कॉन्फिडेंस लूज है कि यार मुझसे नहीं होगा, मैथ है, मैथ सुनते ही बिल्कुल हाइपोथेटिकल हो गए कि भाई होगा नहीं, यही गलती है, यही आप मार खा रहे हो, आप यही मार खा रहे हो। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे जो बहुत वीक थे मैथ में, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ लाइफ में, ठीक है? तो कोशिश करो, कोशिश कर आप इसको सीख लो, अप्लाई करके देखो, नहीं होगा तो वीडियो देख लो, वीडियो पढ़ाओ ना आपके पास, देखते रहो, ठीक है? समझो इस बात को। देखो बेटा, सबसे पहले हमने जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी उसको बॉक्स में डाल दिया, ये कहलाएगा F1, F1 से पहले F0, F0 और F1 के बाद F2, तीन चीज मिल गया, F0, F1, F2, तीन चीज मिल गई। मैंने पहले तीनों चीज को यहां पर लिख लिया, इसके अलावा जो स्टार्टिंग वाला होता है वो L होता है, इनके बीच जो गैप होता है वो H होता है, पांच चीज मिल गई। अब मुझे टेबल की भी जरूरत नहीं, टेबल की जरूरत नहीं है, ये पांच चीज यहां क्यों लिखा? ताकि मुझे बार बार क्वेश्चन देखने की और टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़े, इन पांचों चीजों से सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला लगा दिया मोड का, ये फॉर्मूला होता है 10-102, 10 और 102 आपको फॉर्मूला बता दिया। L की जगह 35 था, F1 आपका 23 था, F0 आपका 21 था, H आपका 10 था।
F1 को 2 से मल्टीप्लाई करना था, F1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई, 46 आया, F0 21 था, F2 आपका 14 था, 35 की जगह 35 आ गया, 23 में से 21 माइनस करोगे 2 बचेगा, 2 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे 20 आएगा, इसको माइनस करो 21, फिर जो बचेगा उसमें 14, पहले 46 में से 21 माइनस करो, फिर जो बचेगा फिर 14 भी माइनस कर दो, ये आपका 11 बचा, 20 को 11 से डिवाइड कर दिया, 1.81 आया, दोनों को ऐड कर दिया, ये आपका 36.81 जो होगा वो रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर हो गया सबको? आप देखना हर क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होगा, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे पता है दो कॉलम, तो सी आई, पहले सी आई लिख लूंगा और एफ आई मैं पहले लिख लूंगा, मुझे पता है इसकी जॉब पड़ेगी, और यहां पर मुझे पांच चीजों की जॉब पड़ेगी, किस किसी की जॉब पड़ेगी, एक मुझे एल चाहिए, एक मुझे एफ वन चाहिए, एक मुझे एफ जीरो चाहिए, एक आपका एफ टू चाहिए, और एक मुझे एच चाहिए। तो जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी मैं पहले लिख लेता हूं कि भैया मुझे इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? अब आता हूं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ो बेटा। द फॉलोइंग डाटा गिवन द इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्व लाइफ टाइम ऑफ द 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, हम क्या करें, हमें इन्फॉर्मेशन से कुछ मतलब नहीं है। हमारे लिए जो पहला कॉलम होगा वो हमारे लिए सी आई कहलाएगा, जो दूसरा कॉलम होगा वो एफ आई कहलाएगा। तो सी आई देखो कहां से स्टार्ट है, 0 से 20 और ऐसा करके आपको 120 तक जाना है, 0 से 20, 20 से 40 और ऐसा करके 120 तक जाना है। तो पहले टेबल को एज इट इज लिख लो, तो कैसे लिखूंगा, 0 से 20 आ गया, 20 से आपका 40 होगा, 40 से आपका 60, 60 टू 80, 80 टू 100 और 100 टू 120, ये आपका सी आई आ गया। नाउ एफ आई, एफ आई चेक करो बेटा, एफ आई क्या होगा, तो एफ आई आपका होगा 10, 35, 52, 10, 35 और 52। इसके अलावा और कौन सा है, तो ये है 61, 38, 29, 61, 38, 29, 1, 61, 38 और 29, 29। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। अब मुझे इन क्वेश्चनों में सभी डाटा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मोड में सबको कंसीडर करना जरूरी है, मुझे ये ढूंढना है सबसे बड़ी, देखो देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, इस पे फोकस करो, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखो 10, 35, 52, 61, 38 और 29। बच्चे बच्चों को पता है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर 61 है, तो 61 को बॉक्स में डाल दूंगा। इट इज कॉल्ड मॉडल क्लास, इसे बोलते हैं बेटा मॉडल क्लास, ये हमारा मॉडल क्लास होगा, हिंदी बोलते हैं बहुलक वर्ग, तो साइड में लिख लो मॉडल क्लास, ताकि टीचर भी समझ जाएगी पढ़े लिखे हो, मॉडल क्लास आ गया, ये मॉडल क्लास हो गया, तो इसे बोलेंगे F1, ये होगा आपका F0 और ये होगा आपका F2। तीन चीज आपको मिल चुकी है, देखो F L, L कितना है, L होता है ये स्टार्टिंग जो होता है से L बोलते हैं, तो 60 जो है आपका L है, L मिल गया आपका। F1 जो होगा आपका 61 होगा, F0 जो होगा बेटा वो 52 होगा, F2 जो होगा वो आपका 38 होगा, और H कितने का गैप है, तो 20 का गैप है, देखो कितने का गैप है, 20 का गैप है, 60 टू 80, 20 का गैप है यहां, तो H जो होगा वो गैप होता है, तो H आ गया 20। क्या मेरी बात बेटा सबको समझ में आ रही है बेटा, कंप्लीट आंसर भी कर लिया क्या, कैलकुलेशन कर लिया अपने आप, शाबाश वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इनकी कैलकुलेशन करना है, केवल फॉर्मुला पुट करना है, कैलकुलेशन करना है, कुछ अलग नहीं करूंगा मैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है, सबसे पहले हुआ मोड बहुलक, यहां बहुलक लिखना बेटा हिंदी में, एल प्लस F1 माइनस F0 10 हो गया, ये हो गया 10, 10, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 102 और मल्टीप्लाई में H। नाउ केवल वैल्यू आपको रिप्लेस करना है, केवल वैल्यू को रिप्लेस करना है, चेक करो L, L कितना है, तो 60 है, L की जगह 60 आ गया। F1 क्या है, F1 आपका 61 है, माइनस F0 क्या है, F0 आपका 52 है। F1 का डबल, F1 का डबल करना है, F1 का डबल, तो 61 का डबल करना पड़ेगा, 61 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लोगे 2 और 122 आ गया, टोटल 122 आ गया, माइनस F0, F0 आपका 52 है और F2, F2 आपका 38 है, मल्टीप्लाई में H, H आपका 20 था, 20 का गैप था। चलिए जी आगे सॉल्व करते हैं, 60 की जगह 60 आपका एच डी जाएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 61 में से 52 माइनस करोगे, 61 में से 52 माइनस करोगे 9 बचेगा, 61 में से 52 माइनस करके देखो 9 बचेगा, 9 बच गया, 9 की मल्टीप्लाई 20 से करो, 9 जो बच गया उसके मल्टीप्लाई 20 से कर दिया करो, 9 बचा, 61 में से 52 माइनस करा 9 बचा, 9 की 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 180 आ जाएगा, 180 आ गया। अपॉन में आ जाओ, अपॉन में चेक करो एक बार, अपॉन में देखो क्या बच गया आपके पास। चलिए जी पहले 122 में से 52 माइनस करो तो 0 आ गया, या 7, 70 बचेगा,
70 में से 38 फिर से माइनस करना है, तो आपका 2 बचेगा और 6 में से 3 गया 3, 32 बचेगा, तो यहां 32 आ जाएगा। नाउ 60 की जगह 60 आएगा, प्लस की जगह आपका प्लस आएगा। आप देखो कैंसिल हो रहा था, पहले कैंसिल कर लो ताकि डिवाइड करना आसान हो, 2 से तो कैंसिल हो ही जाए ना, पहले 2 से कैंसिल कर लो, या आप चाहो तो 4 से भी कैंसिल कर सकते हो, 4 से भी कैंसिल हो रहा है 4 से भी कैंसिल कर लो, या 2 से करना चाहो तो 2 से कर लो, 9 और 0 ये आ जाएगा 16, फिर 2 से कैंसिल करोगे ये आएगा 45 और ये आ जाएगा 8, तो 45 को 8 से डिवाइड करना है, ऊपर बचा 45 नीचे बचा 8, 60 की जगह आप 60 लिखोगे, प्लस की जगह प्लस लिखोगे, 45 को 8 से डिवाइड करो, डायरेक्ट डिवाइड करना था डायरेक्ट डिवाइड करो, नहीं आता तो साइड में डिवाइड कर लो, 45 को डिवाइड कर लो 8 से, 8 पंचे 40, ये आपका 5 बच गया, पॉइंट लगा के 0 आ जाएगा, 8 6 जा 48, आपका 2 बचेगा तो ये 20 हो गया, 8 तो ये आ गया 5.62। मैं आपको पहले एक्सरसाइज बता चुका हूं कि पॉइंट के बाद केवल दो डिजिट निकालते हैं, उसके बाद बच जाए छोड़ दो, कोई इतना मायने नहीं करता, पॉइंट के बाद वैसे भी डेसिमल के बाद आपका आंसर अप्रोक्सिमेट ही आता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पॉइंट के बाद दो वैल्यू मैक्सिमम होती है, दोनों को ऐड करो, 60 में 5 ऐड करो, 65.62 ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। जल्दी चेक करो बेटा, अगर आपने खुद करा है तो एक बार जरूर चेक कर लो कैलकुलेशन, जल्दी करो, जो कर चुके हो वो मुझे आंसर जरूर बताओ, 65.62 आंसर आ रहा है हमारा, सही आ रहा बेटा, ये सबने कर लिया, यही आ रहा आपका आंसर, यही आंसर, ठीक है छोड़ दें, मैच करिए सबका सबका ना, ठीक है आगे बढ़ जाए, ओके ठीक है बेटा, चलिए थैंक यू बेटा, सबका सही आ रहा है, अधिकतर बच्चों ने अपने आप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन आपको फिर से दिया हो, एक टेबल के फॉर्म में ऑलरेडी आपको एक टेबल दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पर ये टेबल रहा, और आपको फिर से मोड फाइंड करना है। देखिए इस कुछ क्वेश्चन में मीन भी पूछ रहा है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कुछ क्वेश्चन में मीन पूछ रहा है, तो मीन आपको खुद फाइंड करना है, क्योंकि मीन आपको आता है, आपने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था माध्य निकालना, आपने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था, पिछले वाले एक्सरसाइज के तरीके से आप इनको सॉल्व कर लो, आप माध्य खुद सॉल्व करोगे, मीन आप खुद सॉल्व करोगे, ये एक्सरसाइज में केवल हम मोड सीखेंगे, क्योंकि हम मीन सीख चुके हैं ना, क्यों टाइम बर्बाद करें, जब हम मीन सीख चुके हैं तो फालतू में इन क्वेश्चनों में मीन निकाल के क्या फायदा, आप मीन अपने आप कर लो, प्रैक्टिस करो, मीन की प्रैक्टिस करो, नहीं होगा तो मेरे से पूछ लेना, हम इस एक्सरसाइज में केवल मोड फाइंड करेंगे, बहुलक फाइंड करेंगे, ठीक है बेटा। फिर आपके सामने टेबल दिया हुआ है, तो पहले वाला टेबल होगा, मैं आपको बार बार कहता हूं, जो फर्स्ट दिया होता है उसको हम लिखेंगे सी आई और इसके बोलेंगे एफ आई। अब ये टेबल बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप चाहो तो यहीं पे इसे सॉल्व कर सकते हो, इसको यहीं पे सॉल्व करना शुरू कर सकते हो, मान लो इसे मैंने कॉपी में बना लिया, ठीक है ये मेरे पे स्क्रीन पे आ चुका है, ये कॉपी में बना लिया। अब देखो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7, सबसे बड़ी डिजिट 40 है, 40 है, 40 सबसे बड़ी डिजिट है, मैं यहीं पे इसे सॉल्व कर सकता हूं ना, टेबल बना हुआ ऑलरेडी, यही चीज तो अगर मैं बनाना चाहूं तो यहां भी बना सकता हूं, टाइम बर्बाद होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3, तो मैं यहीं से सॉल्व करना शुरू करता हूं, ठीक है, यहां पर अच्छे खासा टेबल दिया हुआ, यहीं पर सॉल्व करता हूं, आप कॉपी बना लेना, ये टेबल आप रजिस्टर में बना लेना, अपनी कॉपी बना लेना, ठीक है, मैं यहीं पर सॉल्व करना शुरू करता हूं। सबसे बड़ा डिजिट मुझे मिल गया 40, 40 जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, देखो 40 जो है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है यहां पर, 40 से बड़ा नंबर कोई सा भी नहीं है, तो मैं 40 वाले बॉक्स में डाल दूंगा इसको, 40 को डाल दूंगा बॉक्स में, ये आ गया बॉक्स में, 40 वाले को डाल दिया बॉक्स में, इसे बोलेंगे मॉडल क्लास, साइड में लिख दूंगा मॉडल क्लास, ये जो है मेरा वो मॉडल क्लास हो गया, मॉडल क्लास, इसे बोलेंगे मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग, ठीक है बेटा। तो आपको दिख रहा हो 40 जो होगा वो F1 होगा, क्योंकि बॉक्स में डाला, बॉक्स वाला F1 होता है, तो आपके पास क्या क्या मिल गया, F1 मिल गया आपको, F1 जो है वो 40 है, एक आपको F0 चाहिए, एक आपको F2 चाहिए, एक आपको F2 चाहिए, और क्या चाहिए सर जी, एक आपको L चाहिए, और लास्ट में आपको H चाहिए, ये पांच चीजों की आवश्यकता होगी। तो F1 तो 40 मिल गया, F0 और F2 देख लो, F0 जो होगा 24 होगा, F0 24 कहलाएगा, तो यहां लिख लो 24। F2 देखो बेटा, F2 क्या है, F2 आपका 33 होगा, तो F2 आपका 33 हो गया। L लोअर लिमिट देखो, लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट आपका ये होगा 1500, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, ये जो स्टार्टिंग है लोअर लिमिट है, तो 1500 जो होगा आपका लोअर लिमिट होगा, तो L जो हो गया आपका L वो हो गया 1500, ये आपका L होगा, और H होता है गैप, आप देखो कितने का गैप है क्वेश्चन में, 1500 से 2000, 1000 से 1500, 1500 से 2000, तो 500 का गैप है, 500 का गैप है, 1500 टू 2000 500 का गैप है, तो योर एच वुड बी द 500, आपका एच जो होगा 500 होगा। आई होप मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी, ये पांच चीजें सबको क्लियर है बेटा, पांच चीजें सबको क्लियर है, जल्दी से करना स्टार्ट करो, देखता हूं सबसे पहले आंसर कौन करता है, जल्दी जल्दी करना स्टार्ट करो, पांचों चीज आपके सामने, फॉर्मा लगाओ, वैल्यू पुट करके जल्दी आंसर फाइंड करके दिखाओ।
जल्दी करो बेटा, आप भी करो मैं भी करता हूं, ठीक है? देखते हैं आंसर। सबसे कोशिश करना है बहुत पहले निकालने की। सबसे पहले हमें फाइंड करना है मोड, तो मोड का फॉर्म लगाऊंगा एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन में टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू और मल्टीप्लाई में एच। ये आपके सामने आ चुका है। अब आपको केवल वैल्यू रिप्लेस करना है, तो वन बाय वन वैल्यू मुझे बताते जाओ। बताओ बेटा जल्दी से, एल क्या है? एल क्या बेटा? 1500। शाबाश, एल की जगह 1500 प्लस एफ वन। बताओ एफ वन, एफ वन क्या है? सामने दिख रहा है, जल्दी बताओ एफ वन। ढूंढो एफ वन, आपके पास ये रहा 40, तो एफ वन की जगह 40 माइनस एफ जीरो। एफ जीरो ढूंढो बेटा, एफ जीरो है 24, 24। अब यहां टू एफ वन, टू एफ वन का मतलब क्या होता है? एफ वन का डबल, एफ वन का डबल, एफ वन कितना? 40, 40 का डबल करो कितना? 80। शाबाश, 80 माइनस एफ जीरो, एफ जीरो आपका 24 था, माइनस एफ टू, एफ टू ढूंढो बेटा, एफ टू आपका 33 है, तो एफ टू की जगह 33 होगा, और एच कितना था? 500, 500 का गैप था, ठीक है बेटा? वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, अब सॉल्व करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 1500 की जगह 1500 एज इट इज रहेगा। 40 में से 24 माइनस करो पहले, 40 में से 24 माइनस करो, 16 आएगा, 16 आ जाएगा, तो 16 इंटू में 500। आप चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। चलो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं, टाइम बच जाएगा, इसको हटाता हूं। 40 में 24 माइनस करो, 16 बचा, और 16 पंचे 80 होता है, 16 5 जा 80 होता है, तो 80 और दो जीरो की जगह दो जीरो, तो आपका 8000 आएगा ऊपर। करके देख लेना आप, माइनस का 16, 16 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो, 8000 आ जाएगा। करके देखना, 8000 आ जाएगा 80 में से। अब 1 बाय 1 माइनस करते जाओ साइड में, 80 में से पहले 24 माइनस करना है, 80 में से 24 माइनस करो, तो ये आपका 6 आ गया, और 7 में से 2 गया, 56 बचा। 56 में से 33 फिर से माइनस करो, ये 3 बचेगा, ये 2 बचेगा, टोटल क्या बचा? 23 बचा। जल्दी से 8000 को 23 से डिवाइड करो, 1500 की जगह 1500, 8000 को 23 से जल्दी डिवाइड करो बेटा, सारे बच्चे डिवाइड करो जल्दी, आपके पास केवल 30 सेकंड है। हाँ क्या करो? हाँ बेटा डिवाइड करना है, केवल डिवाइड करना, हाँ केवल डिवाइड करना, 8000 को 23 से सिंपल आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करके आपको वैल्यू बताना है, जल्दी डिवाइड करो बेटा, कर ले डिवाइड। हाँ 300 कुछ आएगा, सही कर रहे हो, सॉरी बेटा, कर लिया 347.82, कितना बता रहे हो? देखना बाकी बच्चे ये आ रहा क्या, 347. कितना बता रहे हो बेटा? 347.82, ये आ रहा क्या? अधिकतम बच्चा का ये आ रहा, सही है, फिर छोड़ दे, ये आ रहा ना, ठीक है, चलिए डिवीजन हो गया, अधिकतम बच्चों का ये आ रहा तो ठीक होगा। अब आराम से 1500 में 347 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1847, 1500 में 347 ऐड करोगे तो 1847.82, तो ये जो होगा वो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 1847.82। चेक करो बेटा अधिकतर बच्चे, हाँ जल्दी चेक करो, अपने अपने आंसर मैच करो, सॉल्व कर लिया सबने, 1847.83 या 82 है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट के बाद अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है, जल्दी नोट करो बेटा। हाँ जल्दी करो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा, फोर्थ क्वेश्चन, तब मैं पानी पी लूं, क्या आप सब नोट कर ले बेटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए बेटा, फिर से आपको टेबल दिया हुआ, इसे मैं यही सॉल्व कर सकता हूं, टेबल अच्छे से बना हुआ है ना भाई, बहुत बढ़िया टेबल बना हुआ, क्यों मेहनत करूं फालतू में, मैं यही सॉल्व कर देता हूं, आप मत ऐसा करना, पता लगा आपने भी बुक में बना दिया, आपने भी बुक में ही बना दिया, ऐसा मत करना भाई, बना लेना, थोड़ा सा मेहनत कर लेना, मैं तो इसलिए कर रहा हूं ना ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, ज्यादा बड़ा ना हो जाए, डाटा भी तो खत्म होता है ना भाई। चलिए तो सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं एक, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जहां मुझे दिख रही है 10 है, 10 आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना, 10 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, तो मैं 10 वाले को बॉक्स में डाल लेता हूं, ये 10 वाला आपका बॉक्स में आ गया, और इसे आप साइड में लिख लेना कि आपका मॉडल क्लास है, हिंदी में क्या लिखोगे? बहुलक वर्ग, ठीक है, मॉडल क्लास आ गया। ये आपका F1 होगा, ये आपका F0 होगा, और ये आपका F2 होगा, F1, F0, F2, तीन चीज मिल गया आपको, सबसे पहले यही चीज चाहिए, ये आपका L होगा, ये नंबर जो होता है वो L होता है, ये L हो गया, और गैप देखो 5 का है, 5 का गैप है, तो ये H होगा, L आपका 30 होगा, और H आपका 5 होगा, क्योंकि 5 का गैप है, इसका गैप देखो 5 का है, तो H आपका 5 होगा, तो 5 चीज आपको मिल चुकी है क्वेश्चन 4 में,
सबसे पहले आपको L मान लो L लिखना चाहते हो तो L आपका 30 था शायद, एक बार चेक कर लूं, L आपका 30 था, जी हाँ L आपका 30 था। उसके बाद आपका H, H आपका 5 था, 5 का गैप था। F1 चेक करो, F1 आपका 10 है, F1 आपका 10 होगा तो F1 आपका 10 हो गया। F0 आपका 9 था और F2 आपका 3 था, एक बार चेक कर लेते बेटा, ठीक है गलती नहीं होना चाहिए, हाँ 9 था और 3 था, ठीक है। बस अब करना क्या है, ये पांचों चीज आपके पास आ तो गई भाई, आपको जोत क्या, अब किसी की जोत क्या, आपको फॉर्मा लगाओ और कर दो काम। अच्छा कर लिया क्या, पहले सॉल्व करे हुए आंसर आ गया क्या पक्का? अच्छा कितना चुन कर लिया भाई, कर रहे हो? अच्छा जो करो कर लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, वीडियो को आराम से पॉज कर दो, रोक दो थोड़ी देर के लिए, सॉल्व करो, लास्ट मान से मैच कर लेना, ठीक है बाकी को मैं करा देता हूं। आइए बेटा तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, फॉर्मूला क्या है, मोड हिंदी में लिखोगे बहुलक इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 इनटू F2 और इनटू में H, 10-102 भाई इतना याद रखो, मैं मुझे ऐसे याद रहता है 10-102 ये याद रहता है तो मैं फॉर्मूले में गलतियां कम होती है। L क्या है, तो L आपका 30 था तो L की जगह 30 पुट कर लो। F1 आपका 10 है, F0 आपका 9 है, F1 का डबल F1 कितना बेटा 10 है और 10 का डबल करोगे बच्चे बच्चों को पता है 20 होगा, माइनस F0 आपका 9 है और F2 आपका 3 था इनटू में 5, H आपका 5 आ गया। चलिए भाई साहब आगे सॉल्व करते हैं, 30 की जगह 30 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 10 में से 9 माइनस करोगे 1 बनेगा, 10 में से 9 गया 1, 1 की 5 से मल्टीप्लाई करो 5 बन जाओ 5, तो ये 5 आ गया। अपॉन में आ जाओ, 20 में से 9 माइनस करो, 20 में से 9 माइनस करोगे 11, 11 से 3 माइनस करोगे 8 बचेगा, तो 8 आ गया। ठीक है बेटा 30 की जगह 30 आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, 5 को 8 से डिवाइड करो, ऑफ साइड में 5 को 8 से डिवाइड कर लो तो 0. ये 50 हो जाएगा, ऑफ साइड में कर लेना, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लूं, है ना, पहले 6 आएगा, 8 6 48 2 बचेगा, 20 हो जाएगा तो 8 2 16, तो 30 में अगर 0 ऐड करोगे तो 30 ही रहेगा और पॉइंट क्या है 62, तो 30.62। एक बार चेक करो बेटा आंसर सारे बच्चे, हाँ जिन्होंने कर लिया एक बार चेक कर लो, सही आ रहा क्या सबका, हाँ बाकी बच्चे देखो ठीक है आंसर देख लो बेटा, हाँ ठीक ठीक सही कर रहे हो बिल्कुल, तो यही आ रहा है सबका कंप्लीट, छोड़ दो ना फिर से, सबका यही है ना, सही आ रहा है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, टाइम बर्बाद नहीं करते। ओहो बहुत बढ़िया, ऐसा लग रहा है कि पूरा एक्सरसाइज हमारे लिए बना हुआ है, टेबल पहले ही बना हुआ है, टाइम बचेगा टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी टेबल बना हुआ है। तो सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढ लो बेटा, 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1। अच्छा एक चीज, एक मिनट दोगे, मैं एक चीज बताऊं नया आपको, कुछ नया बताऊं, अब आपकी प्रैक्टिस काफी हो चुकी है ना, एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक चीज देख रहा हूं ध्यान से, आपने बॉक्स बनाया था ना इसको, ये बॉक्स में था ना 30 से 35, आपको आंसर देखो आंसर क्या है, आपका आंसर आएगा 30.62। एक चीज याद रखना बेटा, जो हम बॉक्स बनाते हैं ना आंसर इसके बीच का ही होता है, कुछ भी आए 30 से 35 आपने बॉक्स बनाया था ना, आंसर 30 से 35 के बीच में ही आएगा, आपका आंसर क्या आया था 30.62 आया था ना, तो 30 और 35 के बीच में ही आया ना, आप चाहो तो इस क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हो ये चीज, देखो इस क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हो, 1500 से 2000 था आपका आंसर, जो आया था 1800 कुछ आया था, 1800 कुछ आया था ना, तो जिसको हम बॉक्स बनाते हैं ना, जिसको हम मॉडल क्लास बनाते हैं, आंसर उसके बीच का ही होता है हमेशा, याद रखना आंसर जो आता है वो हमेशा इसके बीच का ही कोई वैल्यू होगा, कोई भी होगा लेकिन के बीच का होगा, इससे क्या एक आइडिया मिल जाता है आंसर का कि भाई इसके बीच का अगर आंसर आया तो मेरा आंसर सही है, कैलकुलेशन मैंने सही करी है, इससे आपकी गलती होने के चांस थोड़े से कम हो जाएंगे। ठीक है वापस आते हैं, अपने ये बातें खत्म करते हैं। देखो बेटा आपके पास CI और FI आपको दिया हुआ है, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मुझे दिख रही है 18 है, तो 18 वाले को पहले ही मैं बॉक्स में डाल दूं, 18 वाले को फिर से मैंने बॉक्स में डाल दिया, आपके सामने स्क्रीन पर देखो 18 वाला ऑलरेडी बॉक्स में आ चुका है, तो ये मॉडल क्लास आ चुका है आपके पास, इसे मॉडल क्लास बोलेंगे। अब ये जो है वो आपका F1 कहलाएगा, F1, ये आपका F0 होगा और ये आपका F2 होगा। L आपको पता है, L जो होगा वो 4000 होगा, ये L होगा 4000 और 4000 से 5000 यानी गैप जो है 1000 का है, इसमें गैप 1000 का है, तो H जो होगा वो 1000 होगा, तो वैल्यू रिप्लेस करें। ठीक है केवल फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, जो जो चीज आपको दिया हुआ है पहले उन चीजों के बारे में पूरी डिटेल लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 4 था नहीं, हाँ क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले L
एल देखिए आपके पास 4000 था, जी हाँ 4000, एल आपके पास 4000 है तो एल की जगह लिखो बेटा 4000, एच एच था आपका 1000, 1000 का गैप था, एफ वन, एफ वन चेक करो, एफ वन क्या है आपके पास 18 है तो एफ वन की जगह 18 लिखोगे, एफ जीरो, एफ जीरो चेक करो, एफ जीरो आपके पास 4 है, 4 है और F2 जो है वो आपका 9 है। तो ये पांच ही आपके पास सामने है स्क्रीन पर, अब आप खुद भी कर सकते हो, फॉर्मा लगा लो, जल्दी जल्दी फॉर्मा लगाओगे तो क्या बनेगा, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H, फॉर्मा लगा लिया, केवल वैल्यू को रिप्लेस करना है, ठीक है वैल्यू को रिप्लेस करो 1 by 1। चलिए बेटा वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, L, L क्या है, L आपका 4000 है तो L की जगह 4000 आ गया, प्लस F1, F1 ढूंढो बेटा, F1 आपका 18 है, F1 की जगह 18, F0, F0 ढूंढो बेटा, F0 आपका 4 है तो F0 की जगह 4 आ जाएगा, 2F1, 2F1 का मतलब मैं बार बार कह रहा हूं, F1 का डबल, F1 का डबल, 18 का डबल करोगे 36 बैठेगा, F0, F0 आपका 4 है और F2 आपका 9 है और H आपका 1000 था, 1000 का गैप था बिल्कुल। चलिए भाई साहब आगे सॉल्व करते हैं, 4000 की जगह 4000 एज इट इज आएगा, प्लस की जगह प्लस, बेटा 18 में से 4 कम कर दो, 1800 में से 4 कम कर दोगे ये आपका 14 बचेगा और 14 की 1000 से मल्टीप्लाई करोगे इसे बोलेंगे 14000। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई बेटा, 18 में से 4 माइनस करोगे, 18 में से 4 माइनस करोगे 14 बचेगा, 14 की 1000 से मल्टीप्लाई करो 14000 बन जाएगा, 36 में से पहले 4 माइनस करो, 36 में से 4 माइनस करोगे 32 आएगा, 32 आएगा, 32 में से 9 माइनस करो, 32 में से 9 माइनस करो 23 बचेगा आपका, 23 बचेगा। अब आप सिंपली क्या करो, 14000 को 23 से भाग कर दो, 4000 की जगह 4000 प्लस, साइड में आप क्या करोगे बेटा 14000 को 23 से भाग करो और खुद डिवाइड करो, मैं कर दूंगा डायरेक्ट तो आपको मजा नहीं आएगा क्योंकि मैं आपको एग्जाम में नहीं बैठे मिलूंगा बगल में, कभी आप सोचो मेरे बगल में बैठे मिलेंगे सर जी और कैलकुलेशन करते रहेंगे मेरे लिए, मैं नहीं मिलूंगा ना, कोई नहीं मिलेगा, इसलिए कैलकुलेशन खुद करो जल्दी से, डिवाइड करो जल्दी से और डिवाइड करके मुझे जल्दी दो, सही बच्चे डिवाइड करो बेटा फटाफट डिवाइड करो, आपके पास टाइम है, कॉपी लो जल्दी से डिवाइड करो, 14000 को 23 से आपको डिवाइड करना है, सिंपल है, 14000 को जल्दी से 23 से भाग करो, हाँ जी डिवाइड करो जल्दी, कितना आया 608, हाँ सही है 608 पॉइंट कुछ आएगा बेटा 69, हाँ जी कितना है बेटा 608.69, चेक करो एक बार सारे बच्चे इसको डिवाइड करो कितना रहा है 608 है ना 608, यही आ रहा है क्या सबका, एक बार चेक करो सारे बच्चे सबका आ रहा है, मैच होना चाहिए ना, आपका अलग आ रहा है, आपका यही आ रहा है, अच्छा अधिकतर बच्चों का यही आ रहा है तो इसका मतलब यही सही होगा, एक बार चेक करो बेटा आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी, हो जाती है गलती घबराना नहीं है, 69 सबका यही आ रहा है लगभग, छोड़ दो ना फिर पॉइंट के बाद, हाँ पॉइंट के बाद हाँ, दो संख्या बहुत है बेटा, दो नंबर बहुत है, जरूरत नहीं है इससे ज्यादा, चलिए ऐड कर दो इनको, 4000 में आप 608 ऐड करोगे तो 4608 बन जाएगा 0.69, सिंपल, 4000 में 608 ऐड कर दोगे 4608 और 0.69 की जगह 0.69, ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, आंसर आ चुका है, सिंपल पूरा सिंपल था, आप ये चीज देखो कितना जल्दी सॉल्व हो रहा है, आप ये देखो ना यहां शुरुआत हुई ये खत्म हो गया, बड़ा सिंपल सा, कुछ करना ही नहीं ज्यादा इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 छोटा जाओ भाई, चलिए बेटा अब आपको फिर से मैं टेबल नहीं बना रहा, आप टेबल खुद बना लेना, ये आपका सीआई होगा और ये आपका एफआई होगा, टेबल आप खुद बना लेना, थोड़ा टाइम बचेगा ना, थोड़ा वीडियो देखो ज्यादा बड़ा करने से फायदा क्या है फालतू का, थोड़ा टाइम बचेगा, टेबल आप खुद बना लेना, मैं डायरेक्ट कर सकता हूं ना, टेबल आप खुद बना लेना, ठीक है बेटा। देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, आप सिर्फ ये देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, 7, 14, 13, 12, 20, 11, 5 और 8, तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी जो है आपको मिल गया 20, ये आपका सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, तो इसे जो मैं बोलूंगा ये बोलूंगा मॉडल क्लास, ये मेरे पास मॉडल क्लास आ चुका है, हिंदी में क्या बोलोगे, बहुलक वर्ग, सर जी हिंदी में भी लिख दिया करो, हम भी बैठे सर जी, लो बेटा बहुलक वर्ग, बहुत अच्छा लिखा हुआ है बहुलक वर्ग है ना, ये आपका सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है, तो ये मॉडल क्लास हो गया, तो ये जो कहलाएगा ये आपका F1 कहलाएगा, ये आपका F0 कहलाएगा और ये आपका F2 कहलाएगा, तीन चीज मिल गई मुझे, ठीक है
एल जो होगा वो ये होगा छोटी वाली संख्या, 40 जो है वो एल होगा, और 40 से 50 गैप कितने का है, 10 का गैप है, तो एच जो होगा वो 10 होगा। क्लियर हो गया? बनाने की जरूरत नहीं, मुझे तो बनाने की जरूरत नहीं ना, आप बना लेना, आप बना लेना, टाइम बच रहा है तो मैं बचा रहा हूं, आप बना लेना, आप प्रॉपर बनाना, पता लगा मेरी तरह आपने कर दिया, प्रॉपर टेबल बनाना, ठीक है बेटा। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मॉडल क्लास आपको मिल गया, आपको एल, एल 40 है और गैप 10 का है, तो पहले दो चीज लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूं। एल जो था वो आपका 40 था, एच जो था वो आपका 10 था, एफ वन आपका 20 था शायद, है ना, 20 था ना, एक बार चेक कर लूं। हाँ, F1 आपका 20 है, 12 और 11, ठीक है। F0 जो था वो आपका 12 था और F2 जो था वो आपका 11 था, है ना बेटा, यही है ना, 12 और 11, ठीक है भाई साहब, वापिस आते हैं। तो पांचों चीज आपके पास मिल चुकी है, तो अब ज्यादा मुझे जाने की जरूरत नहीं है, जब पांचों चीज है मेरे पास तो सिंपल मैं क्या लगाऊंगा, मोड का फॉर्मूला लगाऊंगा। मोड का फॉर्मूला हम सबको आता है, एल प्लस 10 102 और मल्टीप्लाई में एच। अब आपको केवल वैल्यू रिप्लेस करना है, सिंपल वैल्यू 1 by 1 रिप्लेस करेंगे, ठीक है बेटा, शुरू करें। एल, एल क्या है, एल आपके पास 40 है तो एल की जगह आएगा 40, 40 आ जाएगा, प्लस F1 देखो आपके पास क्या है, F1 आपके पास 20 है, F1 की जगह 20, F0 आपके पास 12 है, F0 की जगह 12 रखोगे, 2F1 का डबल, F1 का डबल यानी 20 का डबल कर दो तो ये आ जाएगा 40, माइनस F0 की जगह आपका 12 आ जाएगा, माइनस F2 की जगह आपका 11 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में H कितने का था, 10 का गैप था, H की जगह 10 आ जाएगा, सिंपल वैल्यू पुट कर लो। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, खुद करो कैलकुलेशन, 40 की जगह 40 आ गया बेटा, 20 में से 12 माइनस करो, 20 में से 12 माइनस करोगे 8 आएगा, 20 में से 12 माइनस करो 8 आएगा, 8 की 10 से मल्टीप्लाई कर लो ये आपका 80 आ जाएगा। समझ में आ गया सबको बेटा, क्लियर है सबको, 20 में से 12 माइनस करो 8 की 10 से, आप 8 की 10 की करोगे तो 80 आ गया, 80 लिख दिया आपने। 40 में से 12 माइनस करो, 40 में से 12 माइनस करो, 28 आएगा, है ना, 28 आएगा ना, तो 28 आ गया, 28 में से फिर आप 11 भी माइनस करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 17 आ गया। जल्दी से डिवाइड करो बेटा, 40 की जगह 40 प्लस, अब डिवाइड आपको खुद करना है, जल्दी से बार बार कहता हूं, आप खुद आपने आप डिवाइड करो, साइड में डिवाइड करके दो, जल्दी डिवाइड करके दो बेटा, 80 को 11 से डिवाइड करना आपको, 80 को 11 से आपको डिवाइड करना है, 80 को 17 से डिवाइड करना है, जल्दी डिवाइड करो बेटा, हाँ 4.7 के आसपास कुछ आ रहा है, पूरा डिवाइड करो, एग्जैक्टली डिवाइड करके दो मुझे, ये यार लगभग 4 पॉइंट कुछ आ रहा है सबका, सबका ये आ रहा है 4.7, ठीक है बेटा, आगे निकाल लेना, ठीक है पॉइंट के बाद आगे निकाल लेना, जो आपका आ रहा हो तो ऐड कर लो बेटा, दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा 44.7, तो ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही आ रहा सबका, 4.7 ही आ रहा था ना, ठीक है नहीं वाला, हाँ सबका आ रहा है, ठीक है, तो 44.7 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो फिर से आपने देखा कुछ अलग नहीं था क्वेश्चन में, वैल्यू प्लेस करा आपने, सिंपल आपने क्या करा, आपने ये आपको दिया हुआ था टेबल, आपने क्या करा इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी और कैलकुलेशन करके आपने आंसर निकाल दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 के आपके पास खत्म हो गया क्या एक्सरसाइज, ओहो ये तो खत्म हो गया बेटा, ये तो एक्सरसाइज ही खत्म हो गया, ओहो मजा आ रहा था, अब तो मजा आ रहा था और एक्सरसाइज हमारा खत्म हो गया, यही क्वेश्चन था क्या, एक्सरसाइज खत्म हो गया बेटा, सॉरी बेटा, मुझे लगा और क्वेश्चन है, मजा आ रहा था ना क्वेश्चन करते हुए, कुछ ज्यादा तीन ही टेंशन तो मजा आ रहा था, इसलिए मैं भी खो गया। चलिए अच्छा लगा होगा आपको, ये था मोड, 6 क्वेश्चन थे, सिंपल कर सकते हो आप अपने आप, एग्जाम्पल जरूर कर लेना, हाँ एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना, मुझे कमेंट करके बताना अच्छा लगा तो, जरूर बताना कि मजा आया, ठीक है बेटा, सबको नमस्ते, बाय बाय, अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो बेटा, बहुत गर्मी पड़ रही है, मैं अभी एसी चला दिया, बहुत गर्मी लग रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है दिल्ली का, 47 है आज का, तो थोड़ी वॉइस में अगर दिक्कत हो तो माफ़ कर देना, ध्यान रखो अपना, ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना, कुछ भी हो मैं तो हमें करनी है, आगे बढ़ना है लाइफ में, ठीक है, नमस्ते बेटा, बाय बाय।